नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं NN स्पोर्ट्स। जसप्रीत बुमराह की हाल ही में शादी हुई, जिसकी वजह से वो भारत के जो सीरीज़ खेली गई इंग्लैंड के खिलाफ, ना तो वो वनडे सीरीज़ में हैं इस समय और ना ही T20 सीरीज़ में थे, और अब वो IPL में खेलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इस बीच IPL 2021 से पहले एक और खिलाड़ी शादी करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो खिलाड़ी शादी करने जा रहे हैं और वो मुंबई इंडियंस के नहीं हैं, वो हैं विराट कोहली की कप्तानी वाली RCB के खिलाड़ी। कौन है वो खिलाड़ी, कब शादी होने वाली है, टीम मैनेजमेंट का इस पर क्या कुछ कहना, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब फटाफट से कीजिए और साइड में जो आपको आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो इस वक्त IPL के खिलाड़ियों का शादी का मौसम चल रहा है। जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में शादी की है, मुंबई इंडियंस के वो खिलाड़ी हैं और इसीलिए उन्होंने भारत और इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ खेली जा रही है, वनडे सीरीज़ हो या फिर T20 सीरीज़, दोनों में ही वो भारत के लिए नहीं खेल पाए। और अब बारी है एडम जेम्पा की। जी हाँ, एडम जेम्पा RCB के लिए खेलते हैं, स्पिनर हैं और वो IPL में शुरुआती मैचों में RCB के लिए नहीं खेल पाएंगे। जी हाँ, उनकी शादी होने वाली है, बहुत जल्द उनकी शहनाई बजने वाली है। किस लड़की से शादी करने वाले हैं, कहाँ शादी होने वाली, इसकी ज़्यादा डिटेल्स तो अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन हाँ, जो RCB के कोच हैं माइक हैसन, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि एडम जेम्पा शादी करने जा रहे हैं और IPL से थोड़े दिन पहले ही उनकी शादी होगी और वो शुरुआत के कुछ मैचों में, IPL के मैचों में RCB के साथ नहीं जोड़ पाएंगे। यानी कि जो पहला मैच 9 अप्रैल से खेला जाना है, मुंबई इंडियंस के खिलाफ RCB का मुकाबला होगा, उसमें वो टीम के साथ नहीं जोड़ पाएंगे। तो इस तरीके से देखें तो विराट कोहली के लिए नुकसानदायक खबर है ये, क्योंकि एडम जेम्पा उनके पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं, लगातार वो प्लेइंग 11 में शामिल रहते हैं, लेकिन शुरुआती कुछ 2 या 3 मैचों के बाद वो अपनी टीम के साथ वापस जुड़ जाएंगे। तो आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं वो हमें बताइएगा ज़रूर। और अगर आपने अभी तक NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो नोटिफिकेशन दिख रहा है वो भी बजाइए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी फटाफट से लाइक कीजिए, ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुँचे, और साथ में सोशल मीडिया पर लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। शुक्रिया।